फ्यूचर मैकर को जमाकर्ता की राशि ब्याज सहित भुगतान का आदेश। यहाँ दोस्तों ये बड़ी न्यूज़, तेलंगाना जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय में सोनसराय थाना क्षेत्र सोहणिया निवासी अधिवक्ता ललित कुमार मौर्य, सोनसराय फ्यूचर मैकर शाखा प्रबंधक जमा राशि की परिपक्वता का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया था। इस मामले में उसने फोरम में 2018 शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान परिवादी तथा अधिवक्ता कन्हैया कश्यप ने कोर्ट के समक्ष सारे साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए बहस की थी। परिवादी ने 5 अक्टूबर 2016 में फ्यूचर मैकर में 10,500 के 2 और 1 बॉन्ड लिए थे। परिपक्वता तिथि के पश्चात परिवादी ने सारे कागजात साक्ष में बॉन्ड में उल्लेखित नियमों को दरकिनार करते हुए भुगतान पर कोई कार्यवाही नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। इस राशि 10 वर्षों के बाद परिपक्वता हुई थी। जहाँ दोस्तों ये राशि 10 साल के बाद पूरी हुई थी। फोरम पीठ अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रधान व सदस्य अनीता सिंह ने साक्ष्यों को अवहेलना के बाद फैसला दिया कि यह स्पष्ट है कि परिवादी ने फ्यूचर मैकर में सोनसराय शाखा में बाउंड लिया था। विपक्षी प्रबंधक का कथन प्रशासनिक है कि विकटीय संकट के कारण राशि का भुगतान करने में बैंक असमर्थ है और एक बार में पूरी राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता। वित्तीय संकट के कारण भुगतान रोकना समाधान नहीं है, अतः फ्यूचर मैकर के सोनसराय शाखा के प्रबंधक को आदेश दिया जाता है कि परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद अवधि के भुगतान तिथि तक 10% ब्याज के साथ 30 दिनों के अंदर समय अवधि में परिवादी को भुगतान करें। इसके बाद विपक्षी मानसिक क्षति व आर्थिक क्षति और व्यय में कुल 15,000 रुपये की परिवादी को अदा करें। दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टोरीज चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।